मनारा और अभिषेक ने उठाया मुनावर पर सवाल, आयशा ने इतना बदनाम किया, फिर मुनावर आयशा से इतना कनेक्टेड क्यों है? वेलकम टू द हंगामा स्टूडियो। मनारा और अभिषेक बात कर रहे होते हैं। मनारा अभिषेक से पूछती है, मेरे को मुनावर के बारे में जनरल जानना है। जैसा अभिषेक तेरी मम्मी बता रही थी, तेरा ईशा का केस हो या मुनावर आयशा का केस, तुम अपने एक्स पार्टनर के ऊपर झूठा ब्लेम कैसे कर सकते हो? अभिषेक बोलते हैं, मैं एग्रेसिव था। वही मनारा बोलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब झूठ ब्लेम होते हैं फिर भी लड़के ओके कैसे करते हैं? अभिषेक बोलते हैं, मैं तो ओके नहीं था कभी, मैंने तो हमेशा आवाज उठाई है। मनारा बोलती है, तू भी मुनावर भी ओके हो जाते हैं। वही आगे मनारा कहती है, आज भी मुनावर आयशा के लिए चेक आउट करता है और अभी भी अंदर दोनों साथ नहीं होंगे। मनारा कहती है, यार फिर एक सेंटीमेंट कैसे रह जाते हैं इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद। वही अभिषेक बोलते हैं, मैंने तो ईशा को बहुत प्यार किया है ना, मैं अपना बता सकता हूँ, लेकिन आयशा ने तो बहुत चीजें खोल दी मुनावर की, फिर भी मुनावर से कनेक्टेड है। मनारा कहती है, फिर मुनावर आज भी उससे कनेक्टेड है। अभिषेक बोलते हैं, मैंने मुनावर को डांटा आज भी। मनारा बोलती है, वो दोनों कनेक्टेड है, मुझे नहीं पता तुझे क्यों नहीं दिखता। फिर आगे अभिषेक बोलते हैं, तुम उनके पास मत जाओ, आयशा को मुनावर चाहिए, ये लड़की मुनावर के लिए पागल है और मुनावर तुझसे बात करता है तो उसकी जलती है। तो दोस्तों, इनकी बात पर आप क्या कहना चाहते हो, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाए।